रेलवे स्टेशन में गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर हाथ में चाय लेकर पूरा स्टेशन घूमते हुए चाय बेचती रहती है शारदा। स्टेशन में आते जाते लोगों से, भैया चाय, दीदी चाय ले लो ना दीदी, गर्मा गर्म चाय, ऐसे कहते हुए उनके आगे पीछे घूमती रहती है शारदा। कुछ लोग तो चाय पी लेते हैं, लेकिन बहुत लोग शारदा को देख घिन आकर उससे दूर चले जाते हैं। शारदा बहुत थक जाती है, लेकिन फिर भी वो सूरज के ढलने तक चाय बेचती रहती है। उसके कमाए हुए पैसों से ही वो कुछ सामग्री लाकर उस रेलवे स्टेशन के पीछे एक शेड में मौजूद उसके दादा दादी के पास जाती है और उन दोनों के लिए खाना बनाती है। फिर से सुबह उठकर बूढ़े लोगों के लिए खाना बनाकर चाय तैयार करके चाय को लेकर स्टेशन जाती है और वहां शाम होने तक चाय बेचती रहती है। उन्हीं कमाए हुए पैसों से वो अपने बूढ़े दादा दादी का ख्याल रखती है। हर रोज की तरह शारदा रेलवे स्टेशन में चाय बेचती रहती है, लेकिन उस दिन उसके पास एक बूढ़ा आदमी चलमैया आता है। एक चाय देना बेटी, ऐसे कहकर एक चाय पीकर, बड़ी अच्छी चाय है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शारदा है जी। तुम्हारा चाय का व्यापार कैसे चल रहा है बेटी? हाँ कुछ चल रहा है जी, हर रोज बस सामग्री खरीदने के लिए पैसे कमा लेती हूँ, कभी कभार तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, ऐसे भोलेपन से कहती है। अगर तुम इन फटे कपड़ों में इस गंदी हालत में चाय बेचोगी तो कौन चाय खरीदेगा बोलो? वही अगर तुम सूखे अच्छे कपड़े पहनोगी तो कोई भी तुम्हारे पास चाय खरीदेगा। सिर्फ चाय का स्वाद अच्छा है तो नहीं चलेगा बेटी, तुम्हें भी तो साफ रहना है। मेरे पास दो ही दो कपड़े हैं, उन्हीं को मैं पहनती रहती हूँ, अब नए कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं बेटी? मेरे माँ बाप मर गए, मैं अपने दादा दादी के पास रहती हूँ। ओह ऐसा क्या, वो कहाँ है बेटी? वो दोनों इस रेलवे स्टेशन के पीछे एक शेड में रहते हैं। ओह तो तुम लोगों के पास घर भी नहीं है, तुम कौन सी गांव से हो? ऐसे पूछता है चलमैया। यही पास में जगन्नाथपुरम से हैं हम, कुछ दिन पहले तक हम वही रहते थे। अच्छा तो फिर अब यहाँ क्यों आए तुम लोग? क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे गांव का सरपंच हमारा घर हमसे छीनकर हमें बाहर भेज दिया है। ऐसा क्या, क्यों? तब शारदा जो कुछ भी हुआ चलमैया को बताती है। कुछ दिन पहले हमारे गांव में सरपंच के इलेक्शंस चल रहे थे, उसमें हमारे गांव का बलरामैया भी खड़ा था। वो वोट मांगने हर घर को जाता था और ऐसे ही हमारे भी घर आए। तब मेरा दादा, पिछली बार जब सरपंच बने थे तो गांव के सारे पैसे तुम ही खा गए, सरकार के प्रोजेक्ट्स के पैसे भी तुमने ही खा लिया। तुमको मैं वोट नहीं डालूंगा, नया लड़का जो आया उसी को वोट डालूंगा मैं, ऐसे कह दिया दादा ने। ये बात सुनकर बलरामैया क्रोधित होकर, मेरे जीतने के बाद मैं तुम्हें इस गांव से ही बाहर निकाल दूंगा, ऐसे उसने चेतावनी दी थी। उसके कहे के अनुसार वो जीत गया और उसके कुछ ही दिन बाद वो अधिकारियों को लेकर हमारे घर आया था, ये कहते हुए कि हमने इस घर को गैर कानूनी से बनवाया और इस घर की जो काम है हमने पूरी तरह से नहीं करवाया, इसलिए तुम्हारे घर को हम सीज कर रहे हैं। वो हमको हमारे घर से और हमारे गांव से बाहर निकाल दिया। मेरे दादा दादी बहुत बूढ़े हैं ना, हमने अधिकारियों से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, इसलिए मैं चाय बेचकर जो भी पैसे कमाती हूँ उसी से उनका देखभाल कर रही हूँ, ऐसे वो बहुत दुख में कहती है। तब चलमैया, ठीक है मैं तुझे स्टेशन में एक छोटा सा शॉप किराए पे दूंगा, तुम वहाँ अपना चाय का व्यापार लगा सकती हो, ऐसे कहते हैं। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है दादा। धीरे धीरे से दे देना बेटी, तुम पहले व्यापार तो शुरू करो। अगले ही दिन
चलमा या शारदा को नए कपड़े और चाय बनाने के लिए जरूरी सामग्री एक महीने तक का खरीद के देता है। ऐसे शारदा रेलवे स्टेशन में चाय का दुकान खोलती है। उस दिन से सुबह से शाम और शाम से रात तक वो लगातार काम करती रही, अलग प्रकार के चाय बनाते हुए सबको उसकी तरफ आकर्षित करती आ रही थी। कुछ ही दिन में रेलवे स्टेशन को आए वाले यात्रीगण ही नहीं बल्कि गांव से भी लोग उसके चाय पीने आ रहे थे। ऐसे कुछ ही दिनों में शारदा के दुकान वाली रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर में जो रेलवे स्टेशन था उसके अधिकारी भी शारदा से उनके रेलवे स्टेशन में ब्रांच लगाने के लिए पूछते हैं। उनके कुछ दिन बाद वो दो के चाय ब्रांचेस बहुत सारे ब्रांचेस बन जाते हैं। एक चाय की दुकान से शुरू करके शारदा कुछ ही दिनों में इन सारे ब्रांचेस की मालिक बन जाती है। इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काबिलियत से हासिल करने के कारण बहुत सारे मीडिया लोग शारदा से उसकी इंटरव्यू मांगते हैं। तब शारदा उन सबको ये बताती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची और उसके परिवार के साथ क्या नाइंसाफी हुई थी और ये भी कि चलमैया ने उसकी कितनी मदद की है। ये जानकर उस जिला का कलेक्टर शारदा का सराहन करते हुए बलरामैया को गिरफ्तार भी करता है। जो काम उसने गैर कानूनी से किया है वो सब कानून हासिल कर लेता है और जिन अधिकारियों ने उसकी मदद भी की थी उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं और सब के बाद शारदा और उसके परिवार को उनका घर लौटा देते हैं। नैतिक, आज अगर अधिकार तुम्हारे हाथों में है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कल जब अधिकार किसी और के हाथों में चला जाए तो खुद अपना सर नीचे करना होगा।